ओम नमः शिवाय आप सभी को मेरी तरफ़ से गुड मॉर्निंग और सुप्रभात आज मैं आपको एक ऐसे कुछ उपाय बताऊंगा जिसमें आप जान सकते हैं कि आप कैसे दुर्घटना से अपने आप को व अपने परिवार को अपने साथियों को कैसे बचा सकते हैं दुर्घटना से कौन नहीं बचना चाहता हर कोई चाहता है कि उसका जो परिवार है या जो उसके संबंधी हैं उनसे कोसों दूर तक बीमारियां, दुर्घटना या, दुर या ऐसी चीज़ें रहें तो उसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है और बहुत ही सरल है ना के बराबर उपाय है करके देखिएगा असर आपके सामने होगा जब भी कभी आप सुबह जाते हैं अपनी गाड़ी में या जो भी आपके पास वाहन है तो एक बात आपको ध्यान रखनी है कि गाड़ी जब भी आप शुरू में सुबह सुबह चलाएं, तो उसको आगे चलाना है थोड़ा सा थोड़ा सा आगे चलाएं मॉर्निंग में एक बार और उसके बाद फिर आप उसको बैक कर सकते हैं डायरेक्ट बैक नहीं करना ये अच्छा नहीं माना जाता सिर्फ़ एक बार करना है दिन में जब सुबह सबसे पहली बार आप चलाएं यानी कि अगर आप दोपहर में उठ के चला रहे हैं तो भी आपको आगे चलानी है थोड़ी सी थोड़ी सी का मतलब है एक कदम आगे या उससे भी आधा भी कर सकते हैं कहने का मतलब ये है कि दिशा में जाना है आगे की दिशा की तरफ बढ़ना है और फिर आप गाड़ी आ, मतलब अपने रास्ते पर जा सकते हैं तो इस तरह से आप जो है वाहन दुर्घटना से बच सकते हैं ये भाग्य को भी जगाता है और ये बिल्कुल आसान है और बहुत से लोगों को ये पता भी है और वो करते भी हैं और उनको फ़ायदा होता है आप करेंगे आपको भी निश्चिंत आप बिल्कुल इसमें दो राय वाली बात नहीं आप करके देखिए रिजल्ट सामने होगा और दूसरी बात आपने देखिए कौन नहीं जानता श्री गणेश के बारे में कहते हैं गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है और गणेश जी के ऐसे कुछ नाम हैं जिनको यदि सफ़र में ले लिया जाए तो एक्सीडेंट होते होते भी आपकी जान बच जाएगी या एक्सीडेंट ही नहीं होगा तो वैसे तो 105 नाम हैं आप मेरे हिसाब से आप ज़्यादा नहीं कम से कम 10 नाम गणेश जी के ले लीजिए सुबह सुबह या जब भी आप सफ़र में ट्रैवल में जाएं तो इससे जो आपका जो रास्ता होता है उसके जो विघ्न होते हैं वो दूर हो जाते हैं यानी कि आपका जो मार्ग है वो एकदम क्लियर हो जाता है साफ़ हो जाता है और फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होती बहुत से लोग आज भी ये सोचते हैं कि ये मंत्र या फिर ये जो प्रयोग क्रिया है ये क्या आज के समय में भी काम करती है देखो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि ये ठीक वैसा ही है जैसे जिसके साथ ये घट चुका है या जिसके साथ ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं वो मानता है और जिसके साथ ऐसा नहीं हुआ वो मात्र एक इसे सोचता है चल गया तो तीर नहीं तो तुक्का ही सही और फिफ्टी फिफ्टी परसेंट होता है कि मतलब विश्वास भी करते हैं और नहीं भी करते तो मैं तो यही कहूँगा कि आप पहले आजमाएँ अपने ज़िंदगी में आजमा के देखिए आपको रिज़ल्ट स्वतः ही मिल जाएंगे और आपको पूर्णतः विश्वास आ जाएगा क्योंकि अभी तक मेडिकल साइंस जहाँ तक नहीं पहुँची है वहाँ तक ज्योतिष पहुँच चुकी है और कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती तो आप आज ये उपाय ज़रूर कीजिए ये सिर्फ आपके सुरक्षा के लिए नहीं अभी तो आपके संपूर्ण परिवार की जो सुरक्षा है उसको करता है और ये बहुत ही दुर्लभ है ना के बराबर इसमें कोई इसमें खर्चा नहीं है आपका बस आपको गणेश जी का ध्यान करना है जब भी आप सुबह बाहर निकलें या किसी सफ़र में जाएं और उसके बाद देखिएगा चमत्कार कैसे होते हैं क्योंकि यही वो दुनिया है जहाँ चमत्कार होते हैं बहुत से लोग सोचते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता लेकिन मैं आपको अपनी अगली वीडियो में ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिसको अगर आप करके देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे आपके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी हालांकि ये जानकारी नहीं देनी चाहिए लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं मानते कि सब चीज़ें काम करती हैं या नहीं करती तो उनके लिए मैं कुछ वीडियोस बनाऊंगा जिनमें अगर वो आ, कोई भी प्रयोग कर सकता है और उसके रिज़ल्ट देख के वो हैरान हो जाएंगे तो आज आपका दिन मंगलमय हो इसके लिए सुबह उठते ही साथ प्रभु को याद कीजिए और अपने दिन की शुरुआत कीजिए उनके नाम के साथ जिस भी प्रभु का आप मानते हैं उसको एक बार याद कीजिए उनको गुड मॉर्निंग बोलिए और उनको अपने साथ महसूस कीजिए कि वो आपके साथ हैं आपके साथ रहते हैं आप यकीन मानिए आपके महसूस करने से भी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है हमारा दिमाग जो महसूस करता है वैसा ही होने लगता है मतलब हमारा जो मस्तिष्क है अगर आप आंखें बंद करके कुछ भी महसूस कर महसूस करते हैं तो ये डिफरेंस नहीं लगा सकता कि ये असली में हो रहा है या सिर्फ़ आप महसूस कर रहे हैं और आप यूट्यूब पे सीक्रेट एक मूवी है जिसमें कि वाइब्रेशन के बारे में बहुत बताया है तो आप वो भी देख सकते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वाइब्रेशन के बारे में कहती हैं और मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि वाइब्रेशन काम करती हैं सीक्रेट वाइब्रेशन अपने आप लगी रहती हैं वो काम करती रहती हैं धीरे धीरे इसीलिए अगर कोई बहुत बीमार है या कोई गुस्से में है या कुछ भी परेशानी में है तो उसे गायत्री मंत्र या कुछ ऐसे मंत्र सुनाए जाएं जिनकी वाइब्रेशन बहुत शांत होती है और आप करके देखिएगा इसका असर जानवरों पे भी होता है और ये बहुत प्रभावशाली चीज़ें हैं आप इनको करते रहिएगा लगातार आपको बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिलेगा और आप अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे चले जाएंगे आज की वीडियो में इतना ही और मैं चाहता हूँ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें वीडियो को देखें और अपने कमेंट्स नीचे आप डाल सकते हैं कमेंट सेक्शन में कुछ पूछना चाहते हैं तो वो भी ड्रॉप कर सकते हैं और ग्रुप में तीन लोग और ऐड हुए हैं जो कि जगह खाली थी वो भर गई है तो जैसे ही जगह मिलेगी मैं आपको ज़रूर ऐड करूँगा आप सिर्फ यही करिए कि अपना नाम और मोबाइल नंबर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और समय समय पे ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा सिर्फ़ आपसे यही चाहता हूँ कि मेरे वीडियोस को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने उन दोस्तों को या उन लोगों तक ये वीडियो पहुँचाइए जो समाज में वाकई मदद चाहते हैं या जिनको मदद की ज़रूरत है क्योंकि अगर आप किसी की मदद करेंगे तो आपकी मदद अपने आप होने लगेगी オムナマシシバ。